टू द एक्सेप्टर ऑन द ड्यू डेट. ट्रू. डेटर को प्रेजेंट करेगा तो ही पैसा आएगा. इफ अ बिल इज डिस्काउंटेड बाय द होल्डर नो एंट्रीज पास्ड इन द बुक व्हेन द बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. ट्रू. बिकॉज द बैंक कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम द डेटर. नोटिंग चार्जेस आर टू बी बॉर्न बाय द ड्रॉअर. फॉल्स. ड्रॉई. इफ अ बिल इज ड्रॉन पेएबल ऑन डिमांड नो ग्रेस डेज आर अलाउड. ट्रू. नो पीरियड नो ग्रेस डेज. देयर आर थ्री पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट. फॉल्स. देयर आर ओनली टू. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. दिस इज समथिंग न्यू. ये हमने जो सीखा ना पूरे चैप्टर में, इसको बोलते हैं क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज. अभी ये आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर तीन चीजें आती है, अगर आपको याद होगा. याद है? चेक, प्रॉमिसरी नोट. चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. इसमें से ये हमने सीखा. चेक्स तो हमें पता ही है. प्रॉमिसरी नोट पे ध्यान दो. प्रॉमिसरी नोट्स भी इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत यूज होते हैं. इंडिया में भी यूज होते हैं. लीगल है. प्रॉमिसरी नोट्स क्या होते हैं? जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर मेड बाय द ड्रॉवर ऑन द ड्रॉइ. तो मैं ड्रॉवर है या ड्रॉइ है, तो आई ऑर्डर हर टू पे मी 20,000 आफ्टर 2 मंथ्स. दैट्स कॉल्ड बिल ऑफ. प्रॉमिसरी नोट में क्या होगा? मैंने हिया को गुड्स बेचा है 20,000 का. हिया को मुझे पैसे देने. मैं बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बना रहा हूं. हिया को बोलूंगा गिव मी अ प्रॉमिसरी नोट. गिव मी अ. तो हिया विल मेक अ प्रॉमिसरी नोट. दैट डेटर विल मेक अ प्रॉमिसरी नोट. इसके जैसा ही दिखता है मोटा मोटी. खाली यहां पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे. आई प्रॉमिस टू पे विशाल 17 द सम ऑफ रूपीज 20,000 आफ्टर 2 मंथ्स फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. और हिया इस पे साइन करेगी. बस सामने वाले पार्टी की साइन की जरूरत नहीं है. तो प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? डेटर बनाता है. सामने क्रेडिटर की साइन होने की जरूरत नहीं. वो अनकंडीशनल ऑर्डर नहीं है, अनकंडीशनल प्रॉमिस. मतलब इसमें भी वही होता है कि अगर बाउंस हो गया, मैं 2 महीने बाद गया, उसने पैसा देने से मना कर दिया, तो आई कैन श्योर प्रॉमिसरी नोट है तेरा मेरे पास, उसका साइन है उस पर. तो प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 पार्टीज होती है. ओनली 2 पार्टीज. वो आर द 2 पार्टीज. ड्रॉवर को मेकर कहा जाता है. यहाँ क्या कहा जाता है? मेकर. ड्रॉवर भी बोलते हैं कोई कोई, बट एक्चुअल नाम है इसका मेकर. द वन हू मेक्स द प्रॉमिसरी नोट. एंड दूसरा बंदा होता है पे. मेकर एंड पे. इन अवर सिचुएशन हिया इज द मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट एंड आई एम द पे. पे इज द वन हू रिसीव्स द मनी. बुक में एंट्री क्या होगी? सेल. मैंने सेल किया. हिया टू सेल्स. शी डिडंट गिव मी अ बिल ऑफ एक्सचेंज. शी गिव मी अ प्रॉमिसरी. तो मेरे बुक में एंट्री आएगा प्रॉमिसरी नोट टू हिया. और उसके बुक में आएगा विशाल सर टू प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट का अकाउंट सेम ही रहता है दोनों में. पेएबल रिसीवेबल जैसा नहीं रहता. समझ में आया? प्रॉमिसरी नोट डिस्काउंट और वो सब कर सकते हो. डिस्काउंट वगैरह भी होता है आपका. एंडोर्स भी हो सकता है. डिसऑनर वाला सू भी करते हो. नोटिंग भी होती है. सब होती है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में थोड़ा सा टेक्निकलिटी में इश्यू आ जाता है. इसमें क्या है? इसने ही साइन किया हुआ है. 2 पार्टी का साइन नहीं है. तो कल उठ के मैंने सबको सू भी किया तो शी माइट से दैट फॉर सिग्नेचर है. मैंने तो किया ही नहीं था ऐसा वैसा. क्योंकि 2 जन का सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है. विटनेस वगैरह भी नहीं है वहां. तो थोड़ा सा फाइटिंग करते हैं. फाइटिंग ऑनर डिसऑनर में सू भी होते हैं. बट थोड़ा टफ है वहां पे प्रूव करना. थोड़ा सा कॉन्क्रीट हो जाता है कंपेयर टू प्रॉमिसरी नोट. बट प्रॉमिसरी नोट्स भी यूज होते हैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में रेप्यूटेशन मैटर. तुम अगर बाउंस कर दोगे प्रॉमिसरी नोट, तुम्हारे साथ कोई धंधा करने वाला नहीं. यस. सो वंस अगेन टेल मी हाउ मेनी पार्टीज वर बिल ऑफ एक्सचेंज? 3. ड्रॉवर, ड्रॉई. बट प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ जो है ड्रॉवर को क्या बोला जाता है? मेकर. मेकर कौन होता है? डेटर की क्रेडिटर. बनाएगा कौन प्रॉमिसरी नोट? डेटर. उसमें क्या लिखेगा? आई प्रॉमिस टू पे सो एंड सो पर्सन विद एड्रेस सम ऑफ रुपीज सो एंड सो ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव. और साइन किसकी होगी? सिर्फ मेकर की होगी. सामने वाले पार्टी का एक्सेप्टेंस होना, साइन होना जरूरी नहीं. करने की जरूरत नहीं. एंडोर्स वगैरह हो सकते, सब कुछ हो सकता है. एंट्री क्या होगी बुक्स में? इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट टू पार्टी, उसके बुक में पार्टी टू प्रॉमिसरी नोट.
ऑनर हुआ तभी कैश टू प्रोमिसरी नोट. द प्रोमिसरी नोट इज एन एसेट. इज इट क्लियर? टू पार्टीज, मेकर एंड पे. मेकर इज द वन हू हैज टू मेक पे द मनी, डेटर, एंड पे इज द वन हू रिसीव्स द मनी, क्रेडिटर फॉर द ट्रांजैक्शन. ओके, अच्छा, थ्री डेज ऑफ ग्रेस इसमें भी अलाउड होते हैं. प्रोमिसरी नोट में भी थ्री डेज ऑफ ग्रेस होते हैं. क्या बोल रहे हो? आई प्रॉमिस ना लिख दे ऊपर स्टार्टिंग में. आई प्रॉमिस ऑन डिमांड. ऑन डिमांड तो ऑन डिमांड डेज है तो 45 डेज आफ्टर डेट 45 डेज. आई प्रॉमिस टू पे विशाल चत्रा आफ्टर 45 डेज आफ्टर 2 मंथ्स सम ऑफ रुपीस वाइज. पीरियड जो भी रहेगा मेंशन रहेगा उसमें. ऑन डिमांड तो ऑन डिमांड, अदरवाइज पीरियड विल बी मेंशन. हाँ, डिसऑनर होता है, नोटिंग हो सकता है, सू कर सकते हो कोर्ट में, सब सेम है प्रोसेस. इसके लिए ना आप एक मूवी है, बहुत बाहर निकला नहीं है, आईपीसी 420. हाँ, आईपीसी 420, वेरी नाइस मूवी, बट थोड़ा मासिस का ऊपर है वो, एलिट लुक का, तो वो मूवी देखना मत देखना कुछ. छोटा सा मूवी, 1.5 घंटे का, ऑल एक्टर्स आर आल्सो गुड. अभी सॉरी, क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो ना तो आपको समझ में आएगी, बाकी साइंस वाला देखेंगे क्या हो जाएगा, तुमको अच्छे से समझ में आएगा. आईपीसी 420 विनय पाटिल. विनय पाटिल, रणवीर शोरी, D5 पे है आईपीसी 420. तुम लोग किधर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं? टेलीग्राम यूज नहीं करते? Now, listen. वो चाहिए सब मूवी. प्रॉमिसरी नोट्स के सम सबको नहीं है, बट थियरी में पूछा जा सकता और बोर्ड्स में भी आ चुका है, हाउ मेनी पार्टीज को प्रॉमिसरी नोट्स याद हो सकते हैं. आगे बढ़ो. ओ, हिंदी मूवीज. देखो अभी इंडियन पीनल कोड. नाउ सीन्स वन, फाइंड द ऑड वन आउट. ऑड वन आउट देखो थोड़ा सा रॉन्ग है बट है. रिटेनिंग, नोटिंग, डिस्काउंटिंग, एंडोर्समेंट. समझ आया? बाकी तीन डीलिंग में आता. ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, आफ्टर डेट बिल, डिमांड बिल. डिमांड बिल, डिमांड बिल, बाकी तीन में डेट स्पेसिफाई होते हैं, इसमें नहीं होता है. डिमांड बिल, ओके. नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉई पे, ये तो सिंपल है. बाकी तीन पार्टी टू बिल है. डिस्काउंटिंग चार्जेस, रिबेट, बैंक चार्जेस, नोटिंग चार्ज. नोटिंग चार्जेस, क्योंकि डिस्काउंटिंग चार्जेस, रिबेट, बैंक चार्जेस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ ड्रॉवर्स एक्सपेंसेस. नोटिंग चार्जेस ड्रॉ ही बेयर करता है, समझा? बाकी दिन ड्रॉवर का खर्चा है, नोटिंग चार्जेस ड्रॉ ही का. स्टैम्प, एक्सेप्टेंस, ड्राफ्ट, अमाउंट, ड्राफ्ट. बाकी तीन आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिल. बाकी तीन बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोफॉर्मा बनाया ना अभी आपने, स्टैम्प, एक्सेप्टेंस और अमाउंट, ये बिल के अंदर पड़े हुए. ड्राफ्ट मतलब वो पूरा बिल है विदाउट साइन ऑफ द ड्रॉइंग. समझ आया? ड्राफ्ट रॉन्ग, मतलब ये वाला रॉन्ग था. सेकेंड वन, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, आफ्टर डेट बिल एंड डिमांड बिल. इसमें दो ऑर्डमेन हो सकते हैं, डिमांड बिल भी हो सकता है, अकोमोडेशन बिल भी हो सकता है.
बट इधर क्राइटेरिया क्या है, डेट्स का है, डेज। तो फिक्स पीरियड इज देयर इन रेस्ट ऑफ द थ्री, ऑन डिमांड में फिक्स पीरियड नहीं है। हाँ राइट है, बट मिक्स्ड द मिक्स्ड अमाउंट, मतलब मिक्स्ड आंसर है, दोनों भी राइट हो सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, मेकिंग पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉर रिटायरमेंट इज रिक्वायर्ड। पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स एंड इज नॉट पेइंग इंसॉल्वेंट टू पे लायबिलिटीज इज इंसॉल्वेंट। अमाउंट दैट कैनॉट बी पेड बाय द एक्सेप्टर ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी इज नोन एज डेफिशिएंसी। देखो क्वेश्चन कैसे बनाया है, अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर इज नोन एज बैड डेट्स, बट अमाउंट विच इज विच एन एक्सेप्टर इज नॉट एबल टू पे इज नोन एज डेफिशिएंसी। तो एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिशिएंसी, बट डेट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर से पैसा नहीं आ रहा तो वो बैड डेट्स। समझ में आया? बोलो सर, आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेम है थर्ड पार्टी जो ड्रॉ ड्रॉइंग पे, पर अगर पे ही सेम हो तो भी पार्टी है नहीं, पर हमेशा त्रण लगवा बिल्स ऑफ एक्सचेंज तीन प्रॉमिसरी नोट दो त्रण लगवा और पे प्रॉमिसरी नोट में मेकर और पे होता है, इतना डाउट है। ओके, वन हू राइट्स द विल इज कॉल्ड एज मेकर, मेकर एंड पे। प्रॉमिसरी नोट को याद रखना, मेकर एंड पे। देन इज वे वर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर सर्टन पीरियड इज नोन एज आफ्टर डेट, आफ्टर डेट आफ्टर डेट पे, आफ्टर डेट पे। बिल विच इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज नोन एज ट्रेड, विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन अकोमोडेशन। Person who draws the bill of exchange known as bill whose due date is calculated from the date of acceptance after said recording the fact of dishonor of the bill is known as noting. When drawee accepts the bill payable at a particular place only, it is known as qualified with respect to place. Okay, जैसे यहां पर हमने पता दो कंडीशन देखी, एक में अमाउंट चेंज किया 17,500 का बिल था 17 में किया, दूसरे में पीरियड चेंज किया 45 डेज का 50 डेज, उसको बोलते हैं क्वालिफाइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम या क्वालिफाइड विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट। तो वैसे वो प्लेस भी कर सकता है चेंज कि मैं बॉम्बे में रहूंगा मैं बॉम्बे में ही पे करूंगा, दिल्ली में रहूंगा दिल्ली में ही पे करने वाला, तो दैट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। व्हाट इट जो भी कंडीशन है उसको लगा देने का क्वालिफाइड विद रिस्पेक्ट टू सोच। Fees charged by the bank for collection of the bill on behalf of the holder, bank charges. One sentence, what do you mean by bill of exchange? I'll give you 5 minutes, answers diye hue hain, question padho aur answers read karte jao, tumko samajh mein aa raha hai kya, doubt hai nahi samjha answer mein to pooch lo, 5 minutes dekho, question padho, pehle khud frame karo fir answer padho, khud frame karo dimag mein kya answer hona chahiye aur niche answer padho, 5 minutes read, go through the answers, come on. पूरा वन सेंटेंस पढ़ लो फटाफट, बोर्ड में दो बार आया वन सेंटेंस, और वन सेंटेंस जब भी आता है ना फुल मार्क्स मिलता नहीं है, याद रखो 5 में से 5 एकदम मजबूत लिखा फुल सेम टू सेम वो मिलेगा, कुछ भी आ सकता है। सर आपके एग्जाम में एक बोल सकते हैं वन सेंटेंस रहेगा तो बहुत टफ है, एकदम वर्ड टू वर्ड आया तो बहुत सही है सर, वन सेंटेंस में अरे वो आप रीड फास्ट कंपल्सरी बोर्ड्स में है ना 20 मार्क के लिए कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वो 4 ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भी 4 हो सकता है, फिलअप हो सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग वन सेंटेंस, कैलकुलेट द फॉलोइंग, ऑड वन आउट, अग्री डिसअग्री, ऑब्जेक्टिव्स कोई भी 4 बोल रहा हूँ ना कोई भी आ सकता है, उसका पैटर्न में नहीं रहेगा, उसमें 4 अटेम्प्ट में 1 अटेम्प्ट, बोर्ड्स में 4 हुए ना उसमें से 1 अटेम्प्ट में 1 चलेगा, एक मार्क
तो पांच अरे ट्रू और फॉल्स में जो रीजन लिखना रहता है वो वर्ड टू वर्ड चलेगा कि ऊपर ऊपर से वो सके उतना सिमिलर लिखो बाकी उन वर्ड्स में चले बट वन सेंटेंस तो थोड़ा परफेक्ट देखो वन सेंटेंस रीड कर लो बड़ा बच्चा है ना फिर वेट 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 करो फटाफट करो गाइस रीड द क्वेश्चन रीड द आंसर फास्ट फ्रेम करने आना चाहिए आ सकता है टाइम मार्क्स के लिए कुछ भी चलो टाइम पास के लिए नहीं दिया टेन वन सेंटेंसेस रीड फास्ट चलो फटाफट पढ़ो 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 ड्रॉवर इज द वन हू हैज टू रिसीव द मनी ड्रॉई इज द वन हू हैज टू पे अल्टीमेटली हू रिसीव्स द अमाउंट ऑफ द पढ़ो ध्यान से नहीं समझ में तो पूछ लो वापस होने वाला नहीं ऑब्जेक्टिव ध्यान से करो चॉकलेट चौथी
हेलो देखा वन सेंटेंस देख लिया चलो वो है अग्री डिसएग्री देखो सब लोग अग्री डिसएग्री पे आ जाओ A bill of exchange is a conditional order. Disagree, it is unconditional order. Now, silence. Party which is ordered to pay the amount is known as payee. कौन होता है वो drawee. Order to pay the amount is drawee. Okay. Person in whose favor the bill is endorsed is known as endorsee. करने वाला कौन है endorser. एंडोर्सर डीप रिबेट और डिस्काउंट गिवन ऑन रिटायरमेंट ऑफ बिल इज एन इनकम टू द ड्रॉइंग एक्सपेंस फॉर द ड्रॉवर बिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटर इज नोन एज बिल्स पेएबल अग्री इन केस ऑफ बिल ड्रॉन पेएबल ऑन डिमांड नो ग्रेस डेज आर अलाउड अग्री ग्रेस डेज थोड़ी रहता है उसमें ऑन डिमांड पीरियड ही नहीं है बराबर ना बिल इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉअर डिसएग्री ड्रॉई एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज नीड नॉट बी डेटेड इट शुड बी डेटेड डिसएग्री देखो उधर बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड अ प्रॉमिसरी नोट इट इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट रिन्यूअल इज अ रिक्वेस्ट मेड बाय द ड्रॉई टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ द बिल नेक्स्ट वन कैलकुलेट द फॉलोइंग देखो आप अपना नोटबुक ले लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का उसमें एक्चुअली सॉल्व करना है वो क्वेश्चन देख के सॉल्व करना है और स्टेप्स चाहिए सीधा फाइनल आंसर मत लिखो आप कुछ दिया बराबर है बट आप कैलकुलेट करो उधर लिखो लिख के करो आना सीधा Come on, do it fast. See the first one. Ganesh draws a bill. Look at the answer. Ganesh draws a bill of 40,260 on 15 Jan 2020 for 50 days. He discounted the bill with Bank of India at the rate of 15%. Calculate the amount of discount. So, aisa likho. Discount. Is equal to 40,260 into 15 upon 100 into 50 days ka bill hai plus 3 days is equal to what? 53 days. Parwa, please pay attention. This is 53 upon 365. Ye cheez hai na, aapko main problem mein nahi aata. Main problem mein hamesha months mein rehta hai calculation. बट कैलकुलेट द फॉलोइंग में डेज में आ सकता है तो